तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फा और कॉफ लिखने का तरीका। फा लिखने के लिए इसमें मुझसे थोड़ी सी शेप अंदर से ज़्यादा रह गई थी, मतलब शेप कह रहा हूँ, इसमें गैप ज़्यादा रह गया था, वो मेरी अपनी गलती की वजह से। तो मैं अब इसको फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे वन और टू नुकात लगा लें, उसकी सीध में आए, ये ऐसे भी लाइन लगा लें ताकि इसका भी आइडिया रहे कि ऊपर कितना जाना है। यहाँ पे भी दो लगा लें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ जाना, और यहाँ आएंगे, सॉरी ये पेपर बहुत तंग कर रहे हैं, अब यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ठीक है, ये चीज़ ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो कलम को यूं कर लेना, थोड़ा सा एंगल इसका यूं कर लेना, फिर इसको यहाँ से यूं पकड़ के ऊपर की तरफ जाएं और फिर वापस पीछे की तरफ आएं। यहाँ से हाफ कनेक्शन करके आगे बा बना लें, बा की जो शेप है ना वो वाली रख लें, जो ये शेप है सेम डिट्टो यही रहेगी, यहाँ से आगे जैसे हम लोग बा लिखते हैं ना वैसे ही बिल्कुल। कॉफ लिखने के लिए भी सेम चीज, ऊपर वाली वन टू इधर, अब वही चीज़ है जो फा की थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ये हल्का सा उससे ज़्यादा नीचे आएगा, काफ की बारी में ये हल्का सा ज़्यादा नीचे आएगा। फा में तो हमने वहीं से इसकी नोक बना दी थी ना, तो काफ में ये थोड़ा सा नीचे आएगा। अब इसके आगे ना यहाँ से आगे हाफ कनेक्शन करते हुए ये वाली शेप बनेगी, ये जो स्वाद में स्वाद में सीन में नून में यूज़ होती है, ये वाली शेप इसके आगे बनेगी, 1 2 3 4 ये, और 2 तो ऑलरेडी इधर लगे हैं, सॉरी ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया है, इग्नोर दिस, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आएगा, इसको इग्नोर करें, ये नहीं है।